नमस्कार दोस्तों, आज हूँ खरखोदा में और खरखोदा में इसलिए आया हूँ क्योंकि खरखोदा में रहते हैं मेरे ताऊ कृष्ण चंद्र दैया जी। फेसबुक से हमारी दोस्ती हुई थी, लेकिन सच में ये मेरे परिवार के बड़े बुजुर्ग की तरह हैं। पिछले दिनों बीमार हो गए थे, मिलने आया हुआ था, लेकिन इंटरव्यू का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब ताऊ की कुछ बातें सुनी तो मुझे लगा कि रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बातें फिर कोई बताएगा नहीं। और ये जो किताबें आप देख रहे हो 5, ये किताबें ताऊ कृष्णचंद्र दैया ने लिखी हैं। और ख़ास बात यह है कि कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है। इनका जो पूरा शोध है दोस्तों, वो जो प्राचीनतम जो जाट और जट की देन है, और गणतंत्रदारी किसान जाट और सिद्धू सभ्यता का देहातीकरण, जाटों के सांस्कृतिक इतिहास का प्राचीन सफरनामा। खास बात यह कि पंजाब में जाट राजपूत टूटन और फिर भारत बंटवारा, और आज इन पे ये इनकी किताबें हैं, ये रिसर्च पेपर हैं इनके जो इन्होंने पढ़े हैं। किताब लिखना एक बहुत शर्मसाध्यकारी काम है दोस्तों। उस आदमी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रही होंगी जो हिस्ट्री का विद्यार्थी नहीं रहा। तो सबसे पहले तो ताऊ आपको इन 5 किताबों के लिए मेरी बधाई हो, धन्यवाद। दूसरा, आप ठीक हो इस बात की बधाई हो। तीसरा, ये जो किताब लिखी है आपने, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ, तो मैं वहाँ जो बिजवाश्रम रहना शुरू किया। अब बिजवाश्रम रहते थे जब बेटा आपका वहाँ रहता था? हाँ। अच्छा, ये गुड़गांव इंजीनियर था उस वक्त, हेवलेट पेपरल कंपनी, जो अमेरिकन कंपनी जी। तो मैं अपना टाइम पास करने के लिए वहाँ बिजवाश्रम आता था, क्योंकि रूटीन तो लाइफ का टूट गया था। मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाया करता, रूटीन टूट गया था। और उसके बाद दिमाग में ये आया कि भाई हम हैं कौन। अच्छा, तो ये हम हैं कौन। तो माइथोलॉजिकल बुक्स ही अवेलेबल थी, क्योंकि मैं माइथोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा कभी। तो जी, हम हैं कौन, इसका मतलब जाट कौन है? जाट कौन? ओके। तो इसके लिए मैंने निरंतर स्टडी करने की सोची, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया में, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और मुझे इस पर कोई टॉपिक नहीं मिला, कोई किताब नहीं मिली। कोई थी भी एक आध, तो वो माइथोलॉजिकल बुक थी जो मेरी समझ में पड़ी। इसके बाद मैं ईरानी कल्चर हाउस में गया, और वहाँ उनके डायरेक्टर की वजह से मुझे 80 किताब मिली। अच्छा, और डायरेक्टर ने ये कह दिया था मुझे। डायरेक्टर से कैसे मुलाकात हुई आपकी? जब मैं वहाँ गया, मैंने पूछा भाई यहाँ का डायरेक्टर कौन है, तो उन्होंने नाम बताया, छोड़ कर आए भी। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ के हैं? मैं हरियाणा का हूँ। ऐसे ही देहाती उसमें? हाँ। अच्छा, तो वो कहने लगे अपने चौकीदार को, भाई चाय ले आओ, रानी चाय और खाना ले आओ। तो मैं एकदम से फिक्र में हो गया, जाट लगता है। मास्टर, आप जाट है क्या? हूँ तो जाट है वैसे, मैं ईरान का हूँ, पर आपने कैसे पहचाना? अच्छा, वो उस ईरान के व्यक्ति को जो दूतावास में बैठा होता, उसको पता था कि वो जाट है? हाँ। यानी कि ईरान में कास्ट सिस्टम है अभी? हाँ। अच्छा, तो मैं कहने लगा, सर इस दुनिया के अंदर जाट ही एक ऐसी कम्युनिटी है जो नए आगंतुक आदमी को खाने के लिए पूछती है, और कोई दुनिया में कोई लोग नहीं पूछते हैं। वो पानी की पूछ लेंगे, चाय की पूछ लेंगे, ये नहीं कहेंगे कोई खाना बनवा दे। इसका मतलब हमारा खाने से एक ताल्लुक है। अच्छा, किसानी कौम से एक ताल्लुक है हमारा, उससे हमारा एक नेचर बना है। उस नेचर के कारण हम ये आपस में बोलते हैं जी। आज भी आपने गांव में देखा होगा, जो भी आएगा पहला खाना बना, भाई चाय बना है, बेटा रोटी खा। हाँ। बनाएंगे। तो ये हमारा प्रोटोकॉल नियम। तो उन्होंने लाइब्रेरी में लेके मुझे, और उनका सेलेक्ट करो, मेरे नाम से जाएंगे ये बुक, चाहे एक साल में वापस दे, लेकिन ये काम करना है। तो मेरी वहाँ से स्टार्टिंग हुई। अच्छा, उस डायरेक्टर ने इतना सपोर्ट किया? इतना सपोर्ट, अपनी सारी किताबें दी लाइब्रेरी की। और साथ में तब भी जब मैंने ये कह दिया कि मैं किताबों का एक नंबर चोर हूँ, सारी किताब उल्टी नहीं दूंगा। अच्छा, तो उसने कहा 2-4 को तुम वैसे ही परमिशन दे दूंगा, उसकी कीमत तो मैं भर सकता हूँ। अच्छा, तो मैंने रखी है उनकी किताब। मैंने कहा सर पैसे के नहीं, पैसे नहीं। तो आपने जब किताब लिखी तो आप उनको देखे आए किताब? उनकी यहाँ से बदली हुई थी चाइना। अच्छा, फिर वो मुझे मिले।
मिले नहीं, आप ढूंढ रहे हो उनको। हाँ, उसको ईरानी जो दूतावास है उसकी लाइब्रेरी को हमने किताब दी थी, आपके यहाँ 20-22 यूनिवर्सिटी है, 20-22 सब में दे रखी है। अच्छा तो जी, ये जो आपने किताब पहली लिखी थी, इसमें अगर मैं आपसे सीधा सीधा पूछूं कि जाट कौन है, तो इससे जवाब क्या दोगे? हाँ, इसका जवाब इन दोनों किताबों में है जी, कंप्लीट, क्योंकि ये मेरी पहली किताब है इसलिए इसे कंप्लीट किताब में। ओके, इसका एक्सपेंशन ये है? हाँ, ये और ये। अच्छा, जाट जो है इसमें दोनों किताबों में मैंने इसके बारे में बता रखा है कि भाई ये वर्ड रूट क्या है, क्या है, किस भाषा का शब्द है। मैंने क्लियर कर रखा भारतीय किसी भाषा का शब्द नहीं है जाट। हाँ, अच्छा, और किसी पुरुष समाज का भी शब्द नहीं है, ये औरतों का बनाया हुआ है, और ये शब्द नॉस्टेटिक डिक्शनरी से निकला हुआ है जो आज की तारीख में भी हम बोलते हैं। जाट का, जाट का जब अनुसंधि छेद करेंगे तो ये बनता है जाओ प्लस अट। अच्छा, जाओ का मतलब होता है हमारी लोकल भाषा में भी और नॉस्टेटिक भाषा में, जाओ का मतलब होता है जामना, दूसरा अर्थ होता है पैदा करना। अच्छा, यानी अट औरत के लिए शब्द है, आज भी बोलते हैं, नॉस्टेटिक डिक्शनरी में भी आज भी है, ये डिक्शनरी की है कोई यार अगर यूनिवर्सिटी की नहीं। अच्छा, तो वे औरत जो बच्चे पैदा करती थी और खेती करके पौधे उपजाती थी, तो वर्ती जाट, वो जाट। अच्छा, और पर जाट जो शब्द है वो औरतों और पर है, पुरुष को नहीं। अच्छा, इसके मैं और भी कई प्रूफ दूंगा, इसमें भी दे रखे हैं, उसमें भी दे रखे हैं कि पुरुष जाट जो है वो महज एक नौकर था, रोटी की तरह खेती की शुरुआत पुरुष ने की, औरत ने की, अनाज को स्टोर करने की शुरुआत पुरुष ने नहीं की, औरत ने की। बार्टर सिस्टम का जो शुरुआत की वो औरत ने की है, भाई मैंने चाहिए है कुंडी छोटा या पत्थर का लोडार वो सलबट्टा, तो वो औरत ने वो सौदा किया है कि मेरे को ये चाहिए, मैं तेरे को इतने दाने दे। अच्छा, पुरुष का उसमें कोई योगदान नहीं है। आज की तारीख में भी ये बात 10,000 साल के बाद मैं कह रहा हूँ, आज भी जाट की, पुरुष जाट की उतनी ही कीमत है जितनी 10,000 साल पहले की। वो केवल रोटी का मजदूर है। अच्छा, घर से बाहर काम करता है, चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो खेती करता है, चाहे वो डांगर चरा। असली पावर महिलाओं के हाथ में है, महिलाओं के अंदर है। वो बार्टर सिस्टम वही चलाती है। बच्चे लड़की की जब शादी होगी, आपने कितना भी पढ़ रखा होगा लेकिन आपको ये नहीं पता कि लड़की की क्या डिमांड होगी शादी में। हाँ, वो औरत होता है, औरत बताती है, इन चीज़ों का खुला सकर। अच्छा, ये औरत आधारित समाज, इसमें कुछ चीज़ें और भी बता रखी है मैंने, जैसे कभी किसी ने पहले आर्कोलॉजिकल प्रमाण नहीं दिया, इसका लिखित सबूत किसी ने नहीं दिया, जाट कौन, जाट का। हाँ, ये सबसे पहले ये दो किताबें हैं जिन्होंने दिए, इसमें फोटो भी, इसमें तो फोटो भी है आर्कोलॉजी की, जिस पत्थर पर वो लिखे हुए हैं। हाँ, उसके फोटो हैं, उसके फोटो। तीसरी बात यह है कि सुमेरियन जो साहित्य है, सुमेरियन साहित्य में हमारी बाबत जो कुछ है वो वही चीज़ें आज भी है। अच्छा, मेरी किताबों की खासियत ये है, दोनों किताबों की विशेषता ये है कि जो प्रमाण मैं 10,000 साल पहले दूंगा या जो मैंने 20,000 साल पहले का दिया, उसी प्रमाण को ये मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ कि वो आज भी है आपके अंदर। अच्छा, जैसे जैसे लेबनान के अंदर जो शुरू में गेहूँ के दाने सूखने शुरू किए, मेन प्रॉब्लम, पहली समस्या हर आदमी की रोटी थी, भूख थी, उसको हल सबसे पहले गेहूं लेबनान में उगाएगी। हाँ, लेबनान में भी होता है, इसमें सबसे पहले कांबरवान मिलती है, जंगली होता है लेबनान से लेकर। अच्छा, गेहूं जंगली है। हाँ, गेहूं जंगली है, लेबनान से लेकर के और उत्तर पश्चिमी ईरान तक ये जंगली है। जो जंगली चीज अवेलेबल थी उन औरत ने देख लिया, जनावर का है तो भी खा लेगी, उसने वो ये जो देख लिया कि ये खाने की तो है, फिर स्टोर कैसे करें। उस वक्त उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई घर नहीं था, लेकिन औरत ने ही जरूरत थी उसकी,
क्यों थी जरूरत? पेट भरना था, क्योंकि औरत का बच्चा होता है हर तो तीसरे चौथे साल हो जाता है, वो पहले बच्चे ने पाड़ा गई उन्हें चार साल लग गए, उसने छोड़ का बच्चा कारकरण के ऊपर जागी, इसलिए उसके हथियार भी अलग हैं, उसके हथियार हैं कुंडी छोटा या कोई डंडा जिससे जड़बड़ पड़नी हो या कोई ऐसा डंडा जिससे को फड़ तोड़ना हो, उसे ये हथियार है, पहले हथियार नहीं। तो उसने बच्चा भी पालना खुद को भी पालना, इसलिए वो ऐसी जगह रहती जहाँ उसे ये खाने की ये चीज़ें मिल जाती, पेड़ पौधे बीज ये मिल जाए, प्राकृतिक चीज़, प्राकृतिक चीज़ें वो शिकार कर ही नहीं सकती थी। तो उसने इस डिमांड को ये सारे साल कैसे पूर्ति हुई, ये स्टोर कैसे किया गया, इस पर ध्यान लगाया और उसने मटका बनाना शुरू कर दिया, छाबड़ी बनानी शुरू कर दी, उसमें वो उस अनाज को रखती है। ये इलाका ऐसा है जहाँ बारह मास कुछ न कुछ होता है, बरसाती मौसम की भी फसलें होती हैं और जाडे वाली फसलें भी होती हैं, कुछ महीने उससे निकल जाते हैं, कुछ महीने उससे निकल जाते हैं। यहाँ ये भी होती हैं जो किरनल होते हैं, जैसे अखरोट है, बादाम है, ये इलाके ऐसे भी हैं कि वहाँ ये भी होते हैं। तो वो उन चोक लेती, स्टोर कर लेती, खा लेती, अपने बालों में खवा लेती। लाइफ स्टार्ट यहाँ से हुई, घर की जरूरत इसलिए पड़ेगी जब तो रहनिया इतना आ रहे हैं आसपास, ये चीज मिले अच्छा तो भी बना लिया, तो ये भी बना ले। और उन कई औरतों ने अपना एक गांव भी बसाना शुरू कर दिया, औरतों ने। ये जो पुरुष है ये बीच में एक नौकर के तौर पर आया, जंगली जो खेती शुरू की तो एक आदमी सा चाहिए उन्होंने जो जंगली डांगरा ने दूर बजा दी, वो यो भी काम कर दे, डड़े बड़े फोड़ के बीज बोने का काम कर दे, ये एक नौकर ही है। और जो बायोलॉजिकल नीड थी वो भी पूरी हो जाएगी बस। और ये आज भी उसी स्थिति में है। अच्छा। बाहर करेगा काम, नौकरी करो, खेती करो, डांगर चराओ, कुछ करो, बिल्कुल अगर आप घर के काम बाहर के करें, बाहर आप अपने ताऊ वगैरह से पूछोगे, दादा से, बाप से, मेरी उम्र के किसी भी आदमी से पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि 1965 तक तो इसको घर में सोने की परमिशन नहीं थी। अंबर बैठक में सोते हैं, बैठक थे तो इसको किसी चीज़ की कोई परमिशन नहीं, इसने कुछ लेना देना नहीं जानता। अगर आपको कोई ये कह दे भाई बाप कहाँ ब्याह करना है तो धर्मेंद्र क्या करेगा, दारू पीता होगा तो दारू वाला है कि नौकरी दे देगा, वो ठीक तो जिसकी यारी उसी देगा, उसी देगा। वो हलवाई की कह देगा भाई कौन सा गाना बढ़िया लाडू बना हुआ है, उस तो जाकर कह होगा भाई मैं लाडू बना दिए। और उसने कुछ भी नहीं लेना देना, और यहाँ तक भी नहीं पता उसने कि ब्याह कर देना है, किसका देना है, क्यों कर देना, सारे काम लुगाई करें, सारे काम लुगाई करें।